हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी ऐप पर। आज थोड़ी क्लास विलंब हो गई क्योंकि मेरे साथियों जो क्लास था, क्लास में आपका कहते सकते हैं जो हमारा ऑनलाइन जो सिस्टम लगा हुआ है थोड़ा अपडेट हो रहा था, इसी वजह से थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। क्या आपको आज वीडियो की क्वालिटी कुछ मतलब अलग नज़र आ रही है या पर डे की तरह ही नज़र आ रही है, फटाफट बताइएगा। मैं यहाँ से आपके कमेंट भी पढ़ सकती हूँ। गुड इवनिंग मैम, शालिनी, श्रेया नमस्ते, सानू, रूबी, कोमल साहू नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया है, अच्छे हैं। मेहर गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग तो नहीं है, तो गुड इवनिंग हो गई। शालिनी मौर्या नमस्कार, रूबी, कोमल साहू, चलिए मोनिका, सभी को नमस्कार। और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास जो हमारी जीव जगत पर होने वाली थी, आप लोगों ने ये नहीं बताया कि आज की क्लास कैसी लग रही है, पेड़े की तरह लग रही है कि एकदम जक्कास लग रही है? आज अलग लग रहा है थोड़ा, बस थोड़ा सा ही। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। तो मेरे साथी आज हम बात करने वाले हैं जीव जगत पे। हाँ, ये बात सही है कि आपके स्टूडियो पर काम चल रहा था, है ना, पूरा सिस्टम सब लगा हुआ है अभी लगभग। लो सालनी कह दी पर डे जैसी है, कोई अलग नहीं है। सालनी बढ़िया, तुम तो एकदम घड़ो पानी डाल देती हो, है ना, जैसे आप कोई कहे कि सुबह 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 ना गैप ना गैप ना गैप, है ना, आप बहुत खुश हो जाओ। वगैरह मजाक कर रहे थे, बस वही वाला हाल है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरे साथ आज हम बात करने वाले हैं जीव जगत पर। किस पर बात करेंगे? जीव जगत पर बात करेंगे। जीव जगत के कुछ हमने कुछ संघों पर बात कर ली थी, जैसे हमने बात कर लिया था प्रोटोजोआ संघ पर। क्या कर लिया था? प्रोटोजोआ संघ पर बात कर लिया था। प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलिमंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज पर बात कर लिया था। दूसरा साथी हमने बात कर लिया था निडेरिया, उस पर बात कर लिया था, निडेरिया पर बात कर लिया था, है ना साथियों। और हमने पोरीफेरा पर भी बात की थी। और अगला अगर हम बात करें, मतलब आज जो हम बात करने वाले हैं वह साथियों ध्यान दीजिएगा, जो आज हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं एक नए संघ के बारे में, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो मेरे साथियों आज हम बात करेंगे आर्थोपोडा, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही आ रहा है आज। आर्थोपोडा क्या आ रहा है? आर्थोपोडा संघ की ओर हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आर्थोपोडा आया, अब आर्थोपोडा संघ में थोड़े थोड़ी सी चीजें आप याद रखिएगा। आर्थोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है आर्थो और दूसरा है पोडस, ठीक है। तो आर्थो, आर्थो का मतलब होता है संयुक्त और पोड्स का मतलब होता है उपांग। क्या होता है? आर्थोपोड्स का मतलब होता है संयुक्त उपांग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्थोपोडा की अगर हम बात करें, आर्थोपोडा की हम बात करें तो यह सबसे बड़ा संघ है। आर्थोपोडा की बात करें तो याद रखना यह सबसे बड़ा संघ है, यह सबसे बड़ा संघ है आर्थोपोडा। आर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, लिखना नहीं है अभी, हम इसके कुछ क्वालिटी बता रहे हैं। सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। दूसरी याद रखना, इसके जो जीव होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, जल में पाए जाएंगे, थल में पाए जाएंगे, वायु में पाए जाएंगे, यानी चल जल थल वायु, वनस्पति भूमि और मृदा, वनस्पति भूमि और मृदा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। तो अगर आर्थोपोडा की बात की जाए तो याद रखिएगा आर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। मैंने आपसे क्या कहा, आर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है ना। इसके जो जल, इसके जो जीव होते हैं वो जल थल वायु वनस्पति भूमि और मृदा सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आर्थोपोडस, क्या बात करें? आर्थोपोडस, आर्थोपोडस का अर्थ क्या होता है? आर्थोपोडस का अर्थ होता है, का अर्थ होता है संयुक्त उपांग। क्या होता है? संयुक्त उपांग होता है, यानी इस आर्थोपोडा में जो भी जीव होंगे उनके जो उपांग होंगे वो संयुक्त रूप से जुड़े हुए होते हैं। आर्थोकोडा,
आर्थोपोडा नहीं है, आर्थोपोडा है। मैं आज रोज से ज्यादा क्लियर लग रहा है, स्पीड जय ज्यादा हो गई गया है क्या? नहीं, डाटा स्पीड आपका ज्यादा नहीं जाएगा। जो हम हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है वो थोड़ा सिस्टम इनबिल्ट किया गया है। जैसे आपके कमेंट पढ़ने के लिए सामने जो हमारा है बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, और इसके कहते हैं सीपीयू, मतलब काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट की गई हैं, जिससे जैसे अभी तक हम आपको कभी कभी कमेंट देखते थे तो ऐसे देखते थे ना, लेकिन अभी थोड़ी अधूरी व्यवस्था है। कैसे कि अगर कभी कभी होता ना कि अगर लाइट चली जाती है तो पूरा सिस्टम हमारा बैठ जाएगा, तो इस पर हमें भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिएगा हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जो आर्थोपोडा है, आर्थोपोडा के जो जीव हैं वह सभी जगह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा संघ है जल थल वायु वनस्पति भूमि और मृदा। आर्थोपोडस का अर्थ होता है संयुक्त उपांग। क्या होता है? संयुक्त उपांग होता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है, और इस आर्थोपोडा के अंतर्गत यानी आर्थोपोडा में आर्थोपोडा के कई भाग होते हैं। ठीक है, आर्थोपोडा का के अंतर्गत कीट वर्ग आते हैं, यानी कीट वर्ग को अलग कर दिया गया, बाकी सभी आर्थोपोडा के अंतर्गत आएंगे जिनके संयुक्त उपांग होंगे। ठीक है, ठीक है, आर्थोपोडा के अंतर्गत कीट वर्ग आता है। क्या आता है? कीट वर्ग आता है। आर्थोपोडा के अंतर्गत कीट वर्ग आता है। अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ग के अंदर कीट वर्ग आएगा तो आप क्या कहोगे? आर्थोपोडा के अंतर्गत कीट वर्ग आता है। अब यहां पर आपको ये याद रखना है, जैसे हमने आपसे कहा संयुक्त उपांग, क्या बोला? संयुक्त उपांग बोला। तो संयुक्त उपांग का मतलब क्या है? देखिएगा, संयुक्त उपांग का मतलब होता है मेरे साथियों जुड़े हुए अंग। जो अंग होते हैं वो जुड़े होते हैं, संयुक्त उपांग होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इनका शरीर होता है वो तीन खंडों में डिवाइड होता है। किसमें? एक तो ऊपर वाला होता है, सिर अलग होता है, फिर मेरे साथियों बीच वाला होता है वक्ष, और सबसे लास्ट में होता है उदर। क्या होता है? उदर होता है। ठीक है, इसी वर्ग की एक विशेषता है, इसी आर्थोपोडा संघ में एक आता है कीट वर्ग। तो यहाँ पर जो ये विशेषता है सिर वक्ष उदर की, ये तो सभी आर्थोपोडा की है। जितने भी आर्थोपोडा के जीव होंगे सभी की विशेषता होगी कि इनके संयुक्त उपांग होंगे, और साथ ही साथ सिर वक्ष उदर में इनका शरीर बटा होगा। ये जितने भी आपके आर्थोपोडा के अंतर्गत आएंगे सभी जीवों की ये विशेषता होगी। सभी जीवों की ये विशेषता होगी। क्या मैंने बोला? कि इनका जो शरीर होता है वह तीन भागों में डिवाइड होगा। ऊपर वाला सिर अलग होगा, बीच वाला जो हिस्सा होगा वो वक्ष होगा, और सबसे नीचे जो होगा वह उदर होगा। तो इनका शरीर तीन भागों में डिवाइड होता है। कीट वर्ग की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, कीट जोड़ी की विशेषता है मेरे साथियों इनकी तीन जोड़ी टंगियां। क्या है? तीन जोड़ी टांगे। इनकी विशेषता क्या है? तीन जोड़ी टांगे है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा फिगर डाउनलोड करके रखा है ताकि आप समझ सकें। चलिए, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सभी इसमें आ जाएंगे। सबसे पहला आप देख रहे होंगे झींगा। झींगा देखा है ना? झींगा तो मेरे साथियों झींगा के जो होते हैं वो छोटे छोटे पैर तो बहुत होते हैं, है ना, छोटे छोटे, मतलब जिनके बल सरकता है वो अलग होता है, लेकिन इनकी जो टांगे होती है वो देखिए तीन जोड़ी होंगी, एक दो तीन, तीन जोड़ी टांगे होगी। आगे होता है एंटीना टाइप का, जिसको कहते हैं संयुक्त उपांग। क्या बोलते हैं? संयुक्त उपांग बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा केकड़ा। केकड़ा ये याद रखना, केकड़ा बहुत जाना है, क्योंकि आप लोग केकड़ा और ऑक्टोपस को एक ही में बोल देते हो। केकड़ा अलग है, ऑक्टोपस अलग है, केकड़ा अलग है, ऑक्टोपस अलग है। तो मेरे साथियों जो ये केकड़ा है ये आपका आर्थोपोडा के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसकी तीन जोड़ी टंगियां होती हैं। कोमल, तुम्हें बड़ा खनखजूर याद आ रहा है?
तो इसकी क्या होती है, तीन जोड़ी टांगे होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तिल चट्टा। तिल चट्टा, अब देखिए तिल चट्टा आपने देखा है, तिल चट्टा देखा है ना, तो तिल चट्टा के भी मेरे साथियों तीन जोड़ी टांगे होती है। तिल चट्टा के कितनी होती हैं, तीन जोड़ी टांगे होती हैं। तिल चट्टा के कितनी होती हैं, तीन जोड़ी टांगे होती हैं। दूसरा यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अगला है मक्खी। मक्खी की भी तीन जोड़ी टांगे हैं। मक्खी कितनी है, तीन जोड़ी टांगे हैं। भौंरा, तीन जोड़ी टांगे हैं। सेंटीपैड, यानी जो सेंटीपैड होते हैं, जितने भी सेंटीपैड होते हैं सभी आर्थोपोडा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जिनके तीन जोड़ी टांगे हैं, जैसे इसके तीन जोड़ी टांगे हैं तो ये कीट वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे तिलचट्टा है ये भी कीट वर्ग के अंतर्गत आएगा, जैसे भौरा है ये भी कीट वर्ग के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये इनका एंटीना वाले, ये एंटीना वाले, जैसे हमारा कन खजूरा, हम तो एंटीना को मूछ बोलते हैं भैया, एंटीना अलग होता है, उसको एंटेम्स बोलते हैं। जिससे इन लोगों को, जैसे हम लोगों के एंटीना क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं ना, वैसे ये लोग सिग्नल भेजने का कार्य करते हैं। चींटी है, देखिएगा एक चींटी जाएगी, उसको शक्कर मिल जाएगी, वो तो चली जाएगी। अब पता नहीं भाई कौन सी बोली, हमने तो उसको बोलते सुना नहीं, पता नहीं कौन सी बोली में बोलेगी कि सारी चींटियां उसके पीछे 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 सूंघते सूंघते पहुंच जाती है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे साथियों जो मक्खी है, जो मक्खी मक्खी के भी तीन जोड़ी टांगे हैं, कीट वर्ग में आ जाएगी। ये जो सेंटीपैड है, जो सेंटीपैड है यानी इनके कई पैर होते हैं, ये आपके आर्थोपोडा में आएंगे। क्यों, क्योंकि इनका संयुक्त तो पांग होता है, पूरा शरीर एक में जुड़ा होता है, पूरा शरीर एक में जुड़ा होगा है ना, और ये इनके होते हैं संयुक्त तो पांग, जिनको आप लोग बोलते हो एंटेम यानी एंटीना। ये देखिएगा बिच्छी, बिच्छू जिसको कहते हो, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बिच्छू के देख रहे हो, बिच्छू के चार टांगे हैं, चार चार टांगे हैं। तो मेरे साथियों अगर देखा जाए तो इसके कितने होती हैं, चार जोड़ी टांगे होती हैं। तो ये कीट वर्ग में नहीं आएगा, किसमें नहीं आएगा, कीट वर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि कीट वर्ग में वो जीव आते हैं जिनकी तीन जोड़ी टांगे होती हैं। तो ये मेरे साथियों कीट वर्ग में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये आर्थोपोडा का होगा, क्योंकि ये देखिए इसका इतना भारी है ना, घुसेड़ने के लिए है कि डंक मार दो, ये जो होता ना आगे, ये इसके डंक होते, ये डंक नहीं होते, ये पकड़ने का कार्य करता है, इससे पकड़ लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपके जो कातर होती है ना, कातर, तो उसके ये जो होते ना वो दांत अलग होते, वही इसे चिपका लेगी, इससे पकड़ लेती और मार देती है ना। चलिए बात समझ में आ गई। तो अगर कीट वर्ग की बात की जाए तो याद रखना आर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है ना, इसके जीव जल थल वायु सभी जगह पाए जाते हैं। तीसरे तीसरी बात याद रखना, इसी का एक वर्ग कीट वर्ग है, इसी का एक वर्ग कीट वर्ग है, जिनकी विशेषता है तीन जोड़ी टांगे, जिनकी विशेषता क्या है, तीन जोड़ी टांगे। अगला अगर हम बात करें, इसी का एक संघ होता है जो आर्थोपोडा है, उनमें संयुक्त उपांग पाए जाते हैं, आर्थोपोडा में संयुक्त उपांग पाए जाते हैं, जिनको हम आर्थोपोडस कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आर्थोपोडस कहते हैं। तो आर्थोपोडस में संयुक्त उपांग होते हैं, आर्थोपोडस को हम संयुक्त उपांग कहते हैं। और मेरे साथियों इनसे ये जो इसके एंटीम से है ना, इनसे ये शिकार को पकड़ते हैं, इनसे ये कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं वो, अपना संदेश संदेश भेजते हैं, इससे ये लोग सिग्नल देने का कार्य करते हैं, सिग्नल देने का कार्य करते हैं। ततैया किस वर्ग में आएगी, अरे श्रेया ततैया भी इसी में आएगी, ततैया बर्रैया भौंरा तितली सब इसी में आएंगी, सब इसी में आते हैं, ठीक है। चलिए नहीं देखो कभी ये होता ना कि डंक उसको मारता है जिसको, मतलब समझते हो ना, और हमारी कोमल को डंक वंक से कुछ नहीं होता है। अगर कोमल को बिच्छू डंक मारता तो बिच्छू मर जाता, तो कोमल को बिच्छी ने सिर्फ काटा, किसको थोड़ी देर तक असर रहे, ठीक है, बात समझ रही हो ना, क्योंकि इसके काटने से इसका कुछ नहीं होता है, इसको डंक मारने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए इसको काट लिया। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, तो फिर आगे को लिखाया जाए। चलिए अब आगे तो इसको लिखना शुरू करिए, जल्दी से सभी लोग डालिएगा आर्थोपोडा संघ, बस यही आर्थोपोडा था, तुम लोग बेकार परेशान हो। अब देखिए हम इसका तुम्हें दिखाएं कि इसका जो पूरा शरीर है तीन हिस्सों में कैसे बटा होता है। देखिए चींटी चीटा देखा है,
तो चींटी का आगे वाला हिस्सा ऐसा होगा, ध्यान देना ऐसा होगा, फिर पीछे वाला हिस्सा कुछ ऐसा होगा, और फिर उसका पीछे वाला हिस्सा ऐसे होगा। यानी जो चींटी होती है, जैसे ये वाला देखिएगा, ये इसका क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये इसका है सिर, सिर है। ये वाला जो है ना, ये इसका है बक्ष, और पीछे वाला ये लंबा सा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदर। तो तीन भागों में इसका शरीर बटा होता है, सिर बक्ष और उदर, सिर बक्ष और उदर। आर्थोपोडा मजा आता है क्या खाने में? कि आर्थोपोडा तुम्हें खाते हैं तो मजा आता है, कैसे मजा आता है? सारे संघ बहुत अच्छे हैं, बस पढ़ने पर डिपेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम नोट कराते हैं, सभी लोग जल्दी से नोट करिएगा। यहाँ पर हेडिंग डालिए आर्थोपोडा, और हमारे साथ साथ बोलिएगा भी, लिखिएगा आर्थोपोडा, ठीक है? आर्थोपोडा, आर्थोपोडा का अर्थ है, आर्थोपोडा का अर्थ है संयुक्त उपांग, संयुक्त उपांग, संयुक्त उपांग, ठीक है? विश्व में सबसे अधिक इसी संघ के जीव पाए जाते हैं, इसी संघ के जीव पाए जाते हैं, इसी संघ के जीव पाए जाते हैं, यानी सबसे बड़ा संघ है। अगला हम क्या कह सकते हैं, अगला हम कह सकते हैं सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो मेरे साथियों, घरेलू मक्खी इसी में आएगा क्या? हाँ भाई, घरेलू मच्छी भी इसी में आएगा, जितनी भी मच्छी, मच्छर, तितली, बरैया, ततैया, भौरा है ना, कनकजूरा, कातर, सब इसी में आएगा, ठीक है? अब तुम लोग देखिए, आप पहचानने की कोशिश करिए, अब सारे आंसर हमसे ना लो, कुछ आप लोग भी तो पहचानो। सर संभाल के, नहीं तो वो गिरेगा क्या? आप उसी के ऊपर बैठे हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या कहा, ये सबसे बड़ा संघ होता है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा, 2/3, यानी तीन क्या है, कुल सदस्य, कुल कुल जीव जो है वो तीन हिस्से में, अकेले दो आर्थोपोडा का है, अकेले दो आर्थोपोडा का है, और एक में सभी संघ आ जाते हैं, और एक में आपके सभी संघ आ जाते हैं, एक में सभी संघ आ जाएंगे, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ा संघ हो गया, इस संघ के जीवों का, इस संघ के जीवों का शरीर तीन हिस्सों में बटा होता है, तीन हिस्से में बटा होता है, तीन हिस्से में बटा होता है। तीन हिस्सा कौन से हैं? सिर, बक्ष, उदर। तीन हिस्से कौन कौन से हैं? सिर, बक्ष, उदर। इनका जो शरीर होता है मेरे साथियों, तीन हिस्से में बटा होता है, सिर, बक्ष, उदर। क्या होता है? सिर, बक्ष, उदर होता है, क्लियर? ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ये जीव जल, वायु, मृदा, जल में भी मिलेंगे, वायु में भी मिलेंगे, मृदा में भी मिलेंगे, स्थल में भी मिलेंगे, वनस्पति में भी मिलते हैं, ठीक है, वनस्पति में भी मिलेंगे, और भूमि के अंदर पाए जाते हैं, सभी जगह होते हैं। सभी जगह होते हैं इनके जीव, सभी जगह होते हैं, ठीक। अगला देखिएगा, इसी संघ के अंतर्गत, इसी संघ के अंतर्गत एक वर्ग आता है, कीट वर्ग आता है, कीट वर्ग आता है, जिसकी विशेषता है, जिसकी विशेषता तीन जोड़ी टांगे, जिसकी विशेषता क्या है,
जोड़ी टांगे, इसकी विशेषता क्या है? कीट वर्ग की विशेषता क्या है? तीन जोड़ी टांगे, याद रखना। मकड़ी कीट वर्ग की नहीं है, ये भी याद रखना, मकड़ी कीट वर्ग की नहीं है, मकड़ी कीट वर्ग की नहीं है। क्यों? क्योंकि मकड़ी की जो टांगे होती हैं, आप काउंट कर लेना, मकड़ी की जो टांगे होती हैं वो आठ होती हैं। तीन जोड़ी होनी चाहिए तो छह होनी चाहिए, लेकिन इसकी कितनी है? आठ है। क्लियर यहां तक आप सभी को? तीन जोड़ी टांगे, चलिए हो गया सभी का। लिख लिया। अगला संघ लिखिएगा मोलस्का संघ, नोट कर लिया? जल्द जब नोट कर लो बता दीजिएगा, तो मैं साइड में हो जाती हूँ। नोट हो गया सभी का? चलिए तो मेरे साथियों आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा संघ है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मोलस्का संघ। हाँ, इसमें लिख लीजिएगा, जैसे कुछ जीव लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं, जैसे आर्थोपोडा के दिखा रहे हैं, जैसे मच्छर, मच्छर है ठीक है। इसमें केकड़ा 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि केकड़ा और ऑक्टोपस में आप लोग कंफ्यूज हो जाती हो। बिच्छू ठीक है, और वो तुम्हारी क्या कहते हैं मच्छर है ना, जो कि सबसे ज्यादा आतंक रखा है, मच्छर लिखा दिया। केकड़ा, सेंटीपैड, सेंटीपैड का मतलब जैसे गिजाई विजाई नहीं होता है जिसमें बहुत पैर होते हैं, सेंटीपैड का मतलब क्या होता है? जिसके बहुत पैर होते हैं, जो कान में घुस जाती है। मैं मकड़ा भी नहीं आता होगा इसमें मेहर थोड़ा, ठीक है। अब ऐसे क्या है, हम कहें मक्खी, तुम कहे मैम ऐसे नहीं, मक्खा भी नहीं आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो मच्छर, केकड़ा, बिच्छू, सेंटीपैड ठीक है, सेंटीपैड मतलब जिसमें कई पैर होते हैं, जैसे कातर है, जो आपके कान में घुसने वाली कंसरिया है, और क्या कहते हैं जैसे इसके अलावा जो जो कहते हैं उसको है गिजाई, है ना, गिजाई जो बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा होती है, रेड रेड होती है, एक के ऊपर एक होती है, वो भी इसी में आएगा ठीक है। तो क्या होगा, सेंटीपैड होते हैं वो भी इसी में आते हैं। इसके अलावा मेरे साथियों भौरा, भौरा, तितली, काकरोच ठीक है, काकरोच, और वो तुम्हारा मकड़ी, मकड़ी आदि ठीक है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कंसरिया क्या है? लीली घोड़ी। ये लीली घोड़ी क्या होता है भाई, हमने आज पहली बार सुना है लीली घोड़ी। अच्छा, वो रेड कलर वाली नहीं है, वो लीली घोड़ी वो रेड कलर वाली नहीं है। अरे वो देखा होगा, बहुत छोटे फॉर्म में होता है, इतनी बड़ी होती है, रेड रेड कलर की होती है, और रेड कलर की भी नहीं होती, मैरून कलर की होती है, उसमें व्हाइट व्हाइट धारी होती है। अरे भाई आप लोग ऐसा लगता है जैसे नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ मोलस्का, मुझे मोलस्का पढ़ाना है तो मैं आगे आपको मोलस्का के साथ ले चलती हूँ। मोलस्का इम्पोर्टेंट है, मोलस्का भी इस हफ्ते इसको खत्म करना है, चाहे तुम लोग भाई कैसे भी खत्म करवाओ, ड्यूटी तुम्हारी है। अब देखिएगा ये है मोलस्का ठीक है, यानी मोलस्का में जो जीव है, आप देखिएगा कि जितने भी मोलस्का में जीव हैं, जैसे ये आपका शंख है, इसको पाइला कहते हैं, है ना, सीपी है, ये है सीपी है,
ये ऑक्टोपस है, हेलिक्स है, लाइमेक्स है, डेंटेलियम है ना, चिटोन है, माइटिलस है, यानी कहने का मतलब अच्छा वही तो, उसी को बोला जाता है गिजाई, उसी को गिजाई बोलते हैं। आप लोग लीली घोड़ी बोलते हो ना, तो मुझे नहीं पता है। चलिए आगे देखिएगा, मोलस्का की अगर हम बात करें तो याद रखना मोलस्का का मतलब होता है ये जीव बहुत ही मुलायम होते हैं, ये जीव बहुत ही मुलायम होते हैं। तो इन जीवों की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर ये कवच होता है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गोंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोंगा बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है पाइला, शंख बोलते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है सीपी बोलते हैं, ये तो आपने सभी ने देखा होगा ना। और ये है भैया सबसे खतरनाक ऑक्टोपस, जिसकी ऐसी ऐसी बाहें लहरियाया ही करती हैं, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि जो मोलस्का है वो मुलायम होते हैं और इन जीवों की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर एक कवच बना होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुआ के ऊपर भी एक कवच बना होता है। कछुआ के ऊपर क्या बना होता है, एक कवच बना होता है, और उस कवच को क्या कहते हैं, वो जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये जो कवच होता है, कवच क्या करता है, कवच मेरे साथियों इनको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मोलस्का दूसरा बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ जो था वो आर्थ्रोपोडा था, इसके बाद ये दूसरा बड़ा संघ है। इसमें लगभग 8500 प्लस जीव हैं, इनमें लगभग 8500 प्लस जीव हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें जो ये जीव होते हैं इनमें कुछ जीवों को आपको याद रखना है, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, इसको मेरे साथियों डेविल फिश कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। इसको डेविल फिश क्यों कहते हैं, अगर हम बात करें इसको डेविल फिश क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा अगर हम इसकी ये वाली भुजा ना, अगर आप इसकी भुजा तलवार से भी काट दें तो कुछ समय बाद इसकी ये भुजा पुनः निकल आएगी। इसकी 8 भुजाएं होती हैं, ऑक्टोपस की कितनी होती हैं, 8 भुजाएं होती है, इसीलिए इसको अष्टभुजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टभुजी कहते हैं, क्या कहते हैं, अष्टभुजी कहते हैं, अष्टपदी कहते हैं, क्या कहते हैं, अष्टपदी या अष्टभुजी कहते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसको अष्टपदी या अष्टभुजी बोलते हैं, क्लियर। इसे इसको क्या बोलते हैं, अष्टभुजी, अष्टभुजी या अष्टपदी बोलते हैं। आप देखिएगा, याद रखना है जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला होता है, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें तांबे की अधिकता है। इसमें किसकी अधिकता है, तांबे की अधिकता होने के कारण इसका जो ब्लड है वह मेरे साथियों नीला रहता है। इसके 3 दिल होते हैं, इतना दिल वाला होता है, देखिएगा इसके 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं, सोचो 3 दिल, 9 दिमाग, 8 भुजाएं, कितना खतरनाक। तो देखिएगा मेरे साथियों इसको क्या कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। इसके 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं, इसका जो ब्लड होता है वो तांबे की अधिकता के कारण नीला रंग का होता है, ठीक है, इसी को हम डेविल फिश कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये सीपी होता है, सीपी आप लोगों ने देखा है, इतना सीपी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन ऑक्टोपस से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ऑक्टोपस से पूछे जा सकते हैं, क्लियर। लिखाएं इसको, बस इसमें इतना है, जो जो मेन मेन है वो चीजें हम आपको लिखाते चल जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला डालिएगा, अगला क्या आपको डालना है, अगला हेडिंग डालिएगा मोलस्का संघ। मोलस्का संघ के जीव, इस संघ के जीव मुलायम होते हैं,
इनकी सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा के लिए इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कवच पाया जाता है। मैंने क्या कहा, मोलस्का संघ। इस संघ के जीव मुलायम होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कवच पाया जाता है। ठीक है, अगला याद रखिएगा, ये सेकेंड बड़ा, ये दूसरा बड़ा संघ है, लगभग 8500 से अधिक जीव, लगभग 8500 से अधिक जीव इसमें पाए जाते हैं। क्लियर, लगभग 8500 से अधिक जीव इसमें पाए जाते हैं, किसमें, मोलस्का संघ में। ठीक है, तीसरी बात यहां पर याद रखिएगा, जैसे जैसे पाइला, हेलिक्स, ठीक है, पाइला है, हेलिक्स है, घोंघा, ऑक्टोपस आदि। ठीक है, पाइला है, हेलिक्स है ना, और ऑक्टोपस है, सीपी है, सीपी नहीं लिखा है ना, सीपी और लिख लो। क्लियर, अब यहां पर लिखिएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसको अष्टभुजी, क्या कहते हैं, अष्टभुजी कहते हैं या अष्टबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टबाहु बोलते हैं। 8 भुजाएं होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, अष्टभुजी बोलते हैं या अष्टबाहु बोलते हैं। ठीक है, इसके मेरे साथियों 3 दिल होते हैं, 3 दिल होते हैं, इसके पास 9 दिमाग होते हैं, खून का रंग नीला होता है, खून का रंग नीला होता है, किस कारण होता है, तांबे की अधिकता के कारण। तांबे की अधिकता के कारण लिख लीजिएगा फटाफट। हाँ, तांबे की अधिकता के कारण इनका जो ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्लियर, निधि कहती हो गया, कवि मोर कहती हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, नोट बना के यहाँ लिखना है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक जोड़ी ब्रक होते हैं,
एक जोड़ी वृक्ष होते हैं जो यूरी कम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जो यूरी कम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरी कम्ल का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर? कोमल, शालिनी, जिया, हो गया ना? मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो इनमें जो परिसंचरण तंत्र था, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अवयव है, मैंने आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाया है, तो इसमें क्या होता है? ब्लड होता है, हार्ट होता है। तो इनमें सब खुला, यानी इनमें जो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये नसों के माध्यम से नहीं है, खुला जा रहा है, खुला ब्लड घूमता है ना? और एक जोड़ी ब्रक होती है, यानी किडनी होती है, और किडनी क्या करती है? किडनी ही तो होती है जो मूत्र को हमारे शरीर से बाहर करती हैं। मूत्र के रूप में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने का काम कौन करती है? तो बाहर करने का काम मेरे साथियों वृक्क के माध्यम से किया जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिएगा तीसरा संघ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब जो तीसरा संघ है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी नहीं, क्योंकि समय नहीं रहेगा और आपको बार बार तो पढ़ना नहीं है। इसको आप पहले समझ लीजिएगा, कल इसको आते ही हम लिखवा देंगे। देखिएगा, ऐसे देखिए, देखिएगा जब आप इसका फिगर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको पांच फिगर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथियों आप बचपन से ही इस चित्र को देखते हुए आ रहे हो, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, कभी मेढक भी आएगा, जब मेढक आएगा तो मेढक पढ़ाएंगे, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। यहाँ मैंने क्या कहा, ये मेरे साथियों जो संघ है इसको क्या कहते हैं? इकाई नोडर मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई नोडर मेटा कहते हैं। आप देख रहे हो इनका जो शरीर है वो आपस में जुड़ा हुआ है। इनका शरीर क्या होता हुआ है? आपस में जुड़ा हुआ है। ये जो तारे की तरह जो संरचना है आपको दिख रहा है, बचपन से हम लोग इसका फिगर ऐसे बनाते हुए चले आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? तारा मछली कहते हैं। याद रखिएगा, क्या ये मछली है? नहीं है। तारा मछली मछली नहीं होती है। तारा मछली मछली नहीं होती। किस संघ में आती है? इकाई नोड्रमेटा संघ में आती है। अब अगर आप ध्यान से देखें, सभी लोगों से कहना है मेरा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको इनकी बॉडी में हल्के हल्के से रेसेस ऐसे दिखाई देंगे, तो इनकी पूरी बॉडी में कांटे जैसे होते हैं। आप लोग ऐसे बनाते हो ना, इस तरह से बनाते हो, तो इनकी पूरी बॉडी में कांटे होते हैं। इनकी पूरी बॉडी, जैसे आपने कांटे वाला चूहा देखा है ना, तो इनकी पूरी बॉडी में कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इनकी पूरे शरीर में कांटे जैसे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको किस संघ में रखा गया? इकाई नोडर मेटा। इकाई नोडर मेटा, इनके पूरे शरीर में कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। और हाँ, ये जो जीव होते हैं वो समुद्र में रहते हैं, समुद्री जीव है ना, ये मतलब अपने स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं, खारे पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा मेरे साथियों, इसको आप देखिएगा, कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये तरह है, ये जो आप देख रहे हो ना, समुद्री आर्चिन, ये क्या है? समुद्री आर्चिन है। समुद्री आर्चिन, इसकी तो बॉडी बिल्कुल कांटे वाले चूहा की तरह होती है, कांटे वाले चूहा या एक जैसे वो नहीं आता है, एक पेड़ आता है और एक पेड़ होता है उसमें जो फूल होते हैं या बीज होते हैं, शायद बीज ही होता है, उसका आकार एक गेंद की तरह होता है और उसके आसपास इसी तरह से कांटे जैसे निकले होते हैं। तो ये क्या है? ये समुद्री आर्चिन है। तो ये समुद्री जीव है, ये समुद्री जीव है, तारा मछली और समुद्री आर्चिन। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं, तीसरी को क्या कहते हैं? ये जो आप देख रहे हो ये ब्रिटल स्टार है। अंतर कितना है? जो तारा मछली होती है, तारा मछली का आकार इस तरह से होता है, तारा मछली का आकार होता है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो इसके बीच में आपको इस तरह से फूल बना दिखाई दे रहा होगा ना,
फिर इसकी एक भुजा, फिर इसकी मेरे साथियों एक भुजा इस तरह से, एक भुजा इस तरह से ऐसी होगी, फिर दूसरी भुजा इस तरह से ऐसी होगी, है ना। तो ये जो होती है ये क्या होता है, ये ब्रिटल स्टार होता है। ये क्या होता है, ये ब्रिटल स्टार होता है, ठीक है। और यहाँ पर है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होली थूरिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होलो थूरिया। इसको क्या कहते हैं, होली थूरिया, ठीक है। अब देखिएगा, समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन को ही समुद्री खीरा बोलते हैं। समुद्री आर्चिन को क्या कहा जाता है, इसकी पूरी बॉडी में कांटे जैसे पाए जाते हैं और इसकी जो आकृति होती है वो खीरे की तरह होती है, इसीलिए मेरे साथियों इसको सी कुकुम्बर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सी कुकुम्बर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सी कुकुम्बर कहते हैं, क्लियर। तो अपनी जो आज की क्लास थी उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। और हाँ, कल आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल स्टार्ट होगा आपका कार डेटा। कार डेटा समझते हो ना, उसमें आएगा पांच, उसमें पांच संघ आएंगे। सबसे पहले मछली वर्ग, सरीसृप वर्ग, उभयचर वर्ग, है ना, और जो भी आपके पक्षी वर्ग, और फिर आएगा आपका मानव आएगा उसी में, यानी स्तनधारी वर्ग आएगा। तो कल की क्लास भूलकर भी मिस मत करिएगा। थैंक यू।